हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम जो है ना ऊपर आए हैं लंच वगैरह करके, थोड़ा सा धूप खाने के लिए। तो बाहर तो हवा चल रही है और यहाँ पे थोड़ा सा आड़ है ना जीने के पास, तो धूप लग रही है। सोच रहे हैं थोड़ी देर धूप खा लें, उसके बाद चलते हैं नीचे। अभी लंच वगैरह करके आए हैं, तभी किचन जो है बर्तन पड़े हुए हैं धुलने के लिए। धोने के बाद जो है थोड़ा सा ठंड लगती है, तो बहुत अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे। तो यहीं पे मैं थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद जो है जाऊंगी नीचे। इतना अच्छा लगता है ना धूप में बैठो तो, इतना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद नीचे जाने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि धूप में ही बैठे रहो। धूप इतनी अच्छी लगती है ठंड में, और गर्मियों में बर्दाश्त नहीं होता है इतना तेज धूप। तो मैं अभी थोड़ी देर बैठूंगी, ज़्यादा देर बैठने से नींद भी आने लगती है। ट्राईपॉड नहीं लेकर आई हूँ, ऐसे ही मैंने। चलो थोड़ा सा फ्लो शूट करते हैं। जल्दी चल, आ रहे हैं सभी। चल चल सभी, मोटी चल। मोटे मोटे बोलो मत। हाँ मेरा पेट निकल रहा है। अरे आओ जल्दी, का काम है। चल रहे हैं, आ रहे हैं। ये गिलास लेकर आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो। धूप भी नहीं खाने दी है यार, थोड़ी देर खा लिए होते तो। तो गए छत पर से आने के बाद जो है मैं डायरेक्ट जो है किचन पे आ गई। पूरा किचन मैसे पड़ा हुआ था, तो अपनी किचन की साफ़ सफाई करने में लग गई। यहाँ हमने बर्तन धुल दिए हैं, बस यहाँ पे किचन में पूरा जो टाइल्स वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो ये हमारा डेली का रूटीन होता है गैस, मैं डेली ऐसे ही इसी तरह से ही किचन साफ़ करती हूँ। और डेली जो है गैस चूल्हा जो होता है ना, उस तरह से मैं पानी से ही धुलती हूँ। कपड़े से कभी कभी मैं पोंछ देती हूँ, वरना ज़्यादातर जो है ना मैं मतलब ऐसे ही निरमा लगा कर अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। क्योंकि कपड़े से जब पोंछते हैं ना, तो उसकी चिकनाई जो भी होती है टाइल्स वगैरह की, वो नहीं जाती है, वैसे चिपक जाती है और साइन भी नहीं करता है। तो मैं हमेशा मतलब इसी तरह से जो है किचन अपना जो गैस स्टोव वगैरह होता है साफ़ करती हूँ। तो ऐसे ही मतलब साफ़ करती हूँ, चाहे मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम मैं ऐसे पोंछ मतलब साफ़ करती हूँ। तो अभी जो है छत पर से आने के बाद जो है यहाँ पे किचन में ही लग गई थी। और पतिदेव आप लोग सुने ही होंगे किस किस नामों से मुझे बुलाते हैं, तो ये मेरे कई नाम रखे हुए हैं घर पे। तो ऐसे मोटी, तो कभी चुड़ैल, तो पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं, किसी भी नाम से बुलाते रहते हैं। तो मौज मस्ती ऐसे होती रहती है गाइस, इग्नोर करना हम लोगों की। तो बस यहाँ पे साफ वाफ करने के बाद जो है ना, मतलब छत पे धूप तो बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब इतना मतलब अच्छा लगता है कि धूप में बैठो ना तो फिर नीचे आने का मन नहीं करता है। और नीचे जब रजाई में घुस जाओ तो उसके बाद जो है रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। तो ठंड में जो है यहाँ पे अभी मैं किचन का काम निपटा कर और मैं थोड़ा सा रजाई में आ गई हूँ। और ये भी जो है अपना फ़ोन वगैरह चला रहे हैं, तो थोड़ी देर मैं रजाई में ही रहूँगी। और उसके बाद जो है तीन मतलब 3:30-4 बजे फिर निकलूँगी रजाई में से। थोड़ी देर मैं यहाँ पे इस टाइम जो है मोबाइल वगैरह चलाती हूँ अपना किचन का काम निपटाने के बाद, लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर, वरना छत पे धूप पे बैठती हूँ तो धूप पे बैठने नहीं दिए, ये बुला लिए नीचे मुझे। इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए ये जो है नीचे बुला लिए कि नीचे आ जाओ। और ये धूप में नहीं जाते हैं, बहुत कम ही जाते हैं छत पर, तो इसीलिए। तो फिर हम अपना काम निपटा के थोड़ी देर जो है रजाई में आ गए हैं, क्योंकि ठंड है ना, ठंड में पैर हाथ इतने मतलब ठंडे हो जाते हैं कि कोई काम करने का मन ही नहीं करता है, और रजाई में से निकलने का भी मन नहीं करता है। तो क्या करें, मजबूरी है, निकलना ही पड़ता है। तो अभी जो है शाम के 4 बज गए हैं और अभी इनका चाय पीने का टाइम हो गया है,
तो बस मैं दोबारा से जो अपने किचन में ड्यूटी लग गई है मेरी चाय बनाने का, और उसके बाद जो है लंच वगैरह, लंच सॉरी डिनर वगैरह बनेगा, उसका भी टाइम आज है, मतलब टाइम हो गया है, जल्दी मैं बनाऊंगी क्योंकि आज है इनका व्रत, आज है मंगलवार, तो जल्दी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये लाए हुए थे पास्ता, तो अभी जो है चाय इधर हो रही है, तब तक जो है ये इसको रख लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब दूध गर्म करती हूँ या चाय वगैरह बनाती हूँ ना, तो जो किचन में जो टाइम रहता है ना, इस टाइम में अगर छोड़ के चले जाते हैं तो चाय वगैरह गिर भी जाती है, दूध भी थोड़ा, हमेशा मैं दूध या तो कोई काम में बिजी रहती हूँ तो दूध को एकदम स्लो मीडियम में ही रखती हूँ, ताकि मैं वो काम करूँ तब तक हमारा दूध अच्छे से पक जाए। और अगर किचन में रहती हूँ, जल्दबाजी रहता है, तो कोई काम करती हूँ तो मतलब रख देती हूँ, तो आराम से दोनों काम हो जाते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे तेल आया था रिफाइंड, तो उसको भी मैंने रख दिया है, और यहाँ पे मेरा जो है चाय बन के रेडी हो गया है। ये शाम का टाइम है, तो अभी जो है मैं थोड़ा सा, चाय तो अभी नहीं पकी है, तब तक यहाँ पे मैं चावल को बीन कर थोड़ा भिगो दूँगी, क्योंकि आज जो है खीर बनाना है, खीर पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी बनाऊँगी, तो इनका व्रत है तो इनको आज खाने का मन है खीर पूड़ी। व्रत में मिठाई ही खाया जाता है, चाहे हलवा पूड़ी खाओ चाहे मतलब खीर पूड़ी, तो इनको खीर पूड़ी खाना था, और मुझे लड्डू गोपाल के लिए भोग भी लगाना था, तो हमने कहा चलो मतलब खीर भी बन जाएगी, पूड़ी भी बन जाएगी और लड्डू गोपाल का भी भोग लग जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है उसको भिगो के रख दी हूँ चावल को, मतलब पानी में भिगोना नहीं है, मतलब पानी से अच्छे से उसको धुल के और रख दिया, अच्छे से वो फूल जाएगा, मतलब आधे घंटे में जो है चावल जो हमारा फूल जाएगा, खीर के लिए रेडी हो जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ बर्तन जो धुल के दोपहर में रखी थी, और उसी टाइम जो है लाइट चली गई थी, तो बस यहाँ पे अभी जो है लाइट भी आ गई है, 4 बजे लाइट भी आ गई थी, लाइट भी ठंड में बहुत ज़्यादा ही कटती है हमारे यहाँ। तो अभी जो है बर्तन लगा दिया है, अब चलते हैं चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद जो है दोबारा से मैं मतलब दोपहर से लेकर मतलब रात 9 बजे तक ये मेरा रूटीन ऐसे चलता रहता है, बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, वरना बिजी ही रहो, मतलब एक छोटा सा दिन हो रहा है तो पता ही नहीं चलता है। तो अभी शाम की हमारी आरती वगैरह हो चुकी है, लड्डू गोपाल को यहाँ पे भोग वगैरह लगा दिया है, और आज हमने पेड़े का भोग लगाया है पहले तो, और उसके बाद जो खीर वगैरह बनाऊँगी तो बाद में उनको मतलब निकाल दूंगी। तो आरती वरती करके पूजा वूजा करके, और अभी जो है दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे कट कर रही हूँ गोभी, और अभी जो मैं यहाँ पे डिनर बना रही थी ना, तो मतलब तभी वहाँ पे लाइट चली गई थी, मैं बता रही हूँ कि लाइट बहुत ज़्यादा ही कट रही है, और यहाँ पे ना मतलब किचन में जो है इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा और रह जाता है, फिर मैं लाइट आ जाती है तो फिर मैं बनाती हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे आलू गोभी मटर की जो मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, तो इनका खाना नहीं है, सिर्फ मैं और मम्मी खाएंगे, क्योंकि इनको खाना है मीठा, और मीठा ही मतलब व्रत में खाया जाता है। तो बस इस तरह से हमारी जो मतलब ड्यूटी होती है, लगी रहती हूँ कामों में। तो बस यहाँ पे हम काट लेते हैं सब्जी फटाफट, और जिस दिन व्रत रहते हैं ना उस दिन को बहुत ज़्यादा ही भूख लग जाती है, सोचते हैं कब मुझे जो है मिल जाए खाने के लिए, और व्रत नहीं रहते हैं तो इनको भूख ही नहीं लगती है, और जब व्रत रहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ही भूख लग जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दबाजी यहाँ पे बना रही हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे चावल जो भिगो के रखा था उसको हल्का सा मैं दरदरा जो पीस कर, और इस तरह से खीर बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पीस लिया था, 2 टुकड़े कर लिए थे उसके, तो खीर यहाँ पे बन गई है, और यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ पूड़ियाँ, सब्जी भी मेरी बन गई है, बस ये आखिरी जो है मैं पूड़ी निकाल लेती हूँ। तो बीच में मैं बोल रही थी ना लाइट चली गई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था, और यहाँ पे जो है बन गया है, यहाँ कान्हा जी के लिए मैं जो है थाली निकाल रही हूँ इनके लिए, और उसके बाद बाकी सब लोग खाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे कान्हा जी का खाना, और ये है हमारी थाली, पतिदेव भी खाकर और चले गए हैं मार्केट, आज है मंगलवार, तो मंगलवार के हमारे यहाँ पास में जो है मार्केट लगता है, तो वहाँ पे मतलब 7 बजे ना सब्जी वगैरह बहुत मतलब ढंग का मिल जाता है, थोड़ा सस्ते मिलते हैं,
तो बाजार लगती है शाम के ही टाइम, तो जाते हैं बाजार करने, तो उनको मैंने बना के दे दिया था, वो खाओ के चले गए थे। अभी जो है मैं यहाँ पे खाओ के और दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ, जितना भी किचन का काम है समेट लेती हूँ। तो ये मतलब डिनर करने के बाद जो है हमारा ये रूटीन है कि पूरा जो है किचन को मैं समेट के ही सोती हूँ, चाहे कितनी भी रात हो जाए, चाहे कितना भी मतलब टाइम निकल जाए, तो मैं सुबह जो किचन को पूरा साफ़ वाफ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना किचन थोड़ा साफ़ सुथरी दिखती है तो अच्छा भी लगता है, और थोड़ा मन मन जो होता है फ्रेश हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो अपना किचन वगैरह निपटा लेती हूँ, किचन के काम बाकी। तो अभी ये भी आ जाएंगे, अभी मतलब टाइम नहीं हुआ था, 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास ही आए थे मार्केट से। तो बस मेरा किचन का काम भी मैंने निपटा लिया है, और यहाँ पे कान्हा जी का जो भोग लगाया था, थाली वगैरह मैं उठा के लेकर जाऊँगी, यहाँ कान्हा जी को मैं सुला दूँगी, और उसके बाद जो है इनका भी मतलब अभी भी आ गए थे तो सब्जी उब्जी रखा, और उसके बाद जो है यहाँ पे कान्हा जी को मैं सुला देती हूँ। तो इस तरह से बीच बीच में जो है कान्हा जी के पास भी आना मतलब थोड़ा बहुत बैठती हूँ, और इसके बाद यहाँ पे थाली, अभी तो प्रसाद मैं नहीं खाऊंगी, सुबह के टाइम खाऊंगी, प्रसाद ऐसे रख दूंगी और सुबह ही मैं खाऊंगी। अभी तो हम लोग लंच वगैरह कर लिए हैं, और जो पहले मैंने भोग लगाया था उसको खा लिया है, और ये जो कान्हा जी का प्रसाद था पूड़ी और खीर वाला, तो वो जो है सुबह जो है मैं खाऊंगी। तो अभी जो है पूरा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ मतलब सोने के लिए, और यहाँ पे करूँगी वीडियो का एडिटिंग का काम, और उसके बाद करोर के उसके बाद जो है मैं सो जाऊंगी। तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग पसंद आया होगा गैस। तो मिलते हैं इसी तरह से एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ, तब तक।